दक्षिण 24 परगना में दिन दहाड़े हत्या। दक्षिण 24 परगना के रायदिगी क्षेत्र में भुलेर बाजार में एक युवक का दिन दहाड़े गला काटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक के चाचा शेख शहादत सुबह से ही चाकू लेकर बाजार में छिपे हुए थे। जैसे ही युवक शेख बहादुर वहां पहुंचा, चाचा ने उसे पकड़कर गला काट दिया और शरीर पर कई जगह वार किया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके में भय का माहौल है। मालदा में टैबलेट ना मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन। मालदा जिले के सागरपाड़ा में 11वीं और 12वीं के छात्र ने टैबलेट ना मिलने पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि अन्य स्कूलों में टैबलेट वितरित कर दिया गया है, लेकिन उनके स्कूल में अभी तक नहीं मिला। प्रधानाचार्य ने छात्रों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। यानी उपचुनाव से पहले सीआईडी नोटिस से नाराज अर्जुन सिंह। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब वो तृणमूल में थे तो सब ठीक था, लेकिन अब बीजेपी में आने पर उन्हें केस में फंसा कर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीआईडी द्वारा उन्हें पुरानी जांच में तलब करना राजनीति से प्रेरित है और वो इससे डरने वाले नहीं है। फिराद हकीम ने चित्तरंजन दास को दी श्रद्धांजलि। कोलकाता के मेयर फिराद हकीम ने चित्तरंजन दास की 155वीं जयंती के मौके पर कियोरातला महाशमशान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पत्रकारों से बातचीत में हकीम ने कहा कि छठ पूजा के लिए नगर निगम ने व्यापक तैयारी की है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की कि छठ पूजा को राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया गया, हालांकि राज्य सरकार ने इसे अवकाश घोषित किया है। महिला सुरक्षा और बढ़ती हिंसा पर विधानसभा अध्यक्ष की चिंता। विधानसभा के आगामी सत्ता में महिला सुरक्षा और बढ़ते अपराध पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष शोभन देव चट्टोपाध्याय ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध एक गंभीर समस्या बन गया है और इसके खिलाफ सभी को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। कोचबिहार में बस में आग लगने से हड़कंप मच गई। कोचबिहार में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के गैरेज में खड़ी एक बस में आग लग गई, जिससे चारों ओर धुआं फैल गया। फायर ब्रिगेड के दो गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच से शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हावड़ा में छठ पूजा के लिए विशेष तैयारी। हावड़ा में छठ पूजा के अवसर पर राज्य के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री अरूप राय ने कहा कि छठ को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र ने ऐसा नहीं किया। हावड़ा के घाटों पर पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है ताकि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। मिदनापुर उपचुनाव के प्रचार में मंदिर में पूजा। मिदनापुर विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सुजय हाजरा ने प्रचार के दौरान सालमनी के कोसी जोड़ा के एक काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने स्कूटी पर घूमकर लोगों से मुलाकात की और समर्थन की अपील की। उन्होंने लोगों को सरकार की उपलब्धियां भी बताई। जलपाईगुड़ी में सड़क पर हिरण का वीडियो वायरल। जलपाईगुड़ी के डुअर्स क्षेत्र में एक जंगल के बीच से गुजरने वाले सड़क पर दो हिरण दिखाई दिए। गाड़ी के हेडलाइट देखकर हिरण जंगल में भाग गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डुअर्स के जंगल में सड़क और रेल लाइन के कारण जंगली जानवर अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन रात के समय सड़क पर दो हिरणों का ये नज़ारा काफ़ी अद्भुत था। इस वीडियो से पर्यटकों में काफ़ी खुशी का माहौल है। झाड़ग्राम में हाथी से बच निकले तीन युवक। झाड़ग्राम के जामबनी क्षेत्र में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर लौटते वक्त तीन युवक अचानक एक हाथी के सामने आ गए।
तीनों ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर पास की पुलिया में छिप कर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला।